हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। सी हमने भैया सर्विस मॉडल्स तो कंप्लीट कर लिए, समझ लिया एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अभी बढ़ते हैं आगे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के साथ। बड़े ही आसान फंडे हैं ये डिप्लॉयमेंट मॉडल। तीन मॉडल्स हैं यहाँ पे। एक बोलता है भैया वो पब्लिक क्लाउड है, दूसरा बोलता है प्राइवेट क्लाउड है, और तीसरा थोड़ा सा यू नो मिक्सचर बना हुआ है, जोड़ बना हुआ है, थोड़ा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इन दोनों क्लाउड्स का, दैट इज अ हाइब्रिड वन है। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्लाउड। अभी एक एक क्लाउड को उठाते हैं, उसके फीचर्स को जानते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भैया पब्लिक क्लाउड। अब ये पब्लिक नाम में क्या है, पब्लिक मतलब ओपन टू ऑल, ओपननेस ज्यादा है यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपननेस है, यहाँ पे बहुत ही कम ओपननेस है। ओके, यहाँ ओपननेस किस बारे में है कि भैया द्वार जनरल पब्लिक के लिए खुले हुए हैं, जो दरवाजे हैं वो जनरल पब्लिक के लिए खुले हुए हैं, आप आ सकते हो और इस पब्लिक क्लाउड को यूज कर सकते हो। जितने भी आपके प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स जो बहुत ही मतलब नामचीन प्रोवाइडर्स हैं, एक अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, गूगल का भी है, तो ये जो नामचीन प्रोवाइडर्स हैं ये अपना एक ऐसा सेक्शन रखते हैं पब्लिक क्लाउड का जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि भैया थोड़ा छुपा के रखा हुआ है क्लाउड और एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है जो कि प्राइवेट क्लाउड में होता है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि आपके जो क्लाउड है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सर्वर्स हैं, जो भी मशीन्स है, वर्चुअल मशीन जो भी है, वो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुक करके रखते हैं। जैसे सीट बुक नहीं करते कि हाँ ये इसी की सीट है, पब्लिक नहीं बैठ सकती इसके ऊपर, ये उसी के ऊपर बैठ सकता है बंदा जो उसके लिए ऑथराइज्ड है। तो जो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लाउड के लिए, वही उसको यूज कर सकती है, वही उसको मैनिपुलेट कर सकती है और जैसा यूज करना चाहे। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्राइवेट क्लाउड। कि अगर आपका एक क्लाउड है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन यूज करने वाली है, पब्लिक यूज नहीं करने वाली, जनरल यूज नहीं करने वाला है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट यूज करने वाली है, तो उसे हम प्राइवेट क्लाउड कहेंगे। तो इस वजह से होता क्या है पब्लिक क्लाउड में कि भैया जब आप जनरल पब्लिक के लिए दरवाजे खोल देते हो और फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग क्या करते हैं शेयर करने लग जाते हैं। बहुत सारे जो जनरल पब्लिक इस क्लाउड को यूज करना चाहती है तो उसके रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी रिसोर्स हो सकता है, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं, ओके, वो बहुत सारी चीजें जो आपके क्लाउड में आती है वो जो एक रिसोर्स फॉर्म में आती है जिसे हम आईटी रिसोर्स कहते हैं, तो वो आईटी रिसोर्स आप कई सारे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो। अभी जहां पे शेयरिंग का फंडा आ गया, जहां पे पब्लिक ये शब्द आ गया, तो वहां पे क्या होता है ग्लोबल यूज होता है। यहां पे इसका डिप्लॉयमेंट कैसा होता है, ये जो मॉडल है पब्लिक मॉडल, दैट इज पब्लिक क्लाउड जो है, इट इज डिप्लॉयड ग्लोबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट इज डिप्लॉयड ग्लोबली। एंड ये जो प्राइवेट क्लाउड है इट इज डिप्लॉयड लोकली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोकली है, ये ग्लोबली है, ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है ग्लोबली है, इसकी वजह से क्या होता है जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो कम हो जाती है बराबर, और उसके जो रिस्क हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जो इश्यूज हैं वो रिस्क हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक क्लाउड में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन कंपेरेटिव टू द प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी कम मिलती है, यानी यहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी कम होती है एज कम्पेयर विद द प्राइवेट क्लाउड। नहीं तो अगर दोनों सेम होते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती ना, प्राइवेट क्लाउड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, अब दूसरी बात पे आ जाए तो भैया एक्सपेंसेस कॉस्ट किसकी ज्यादा पड़ेगी, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप किसी जनरलाइज स्कीम में जाते हो तो वहां पे जो स्कीम आपको सर्विसेज देने वाली है वो थोड़ी सस्ती होती है बराबर, बिकॉज वो जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन अगर आप वीआईपी की लाइन से मंदिर में घुसना चाहते हो तो भैया चार्जेस ज्यादा देने पड़ते हैं। अगर आप यू नो समथिंग यू आर ट्राइंग फॉर योर सेल्फ ओनली, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, आप प्राइवेटली कुछ तो चाहते हो, आप प्राइवेट सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हो, तो उस वक्त क्या होता है थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पे खर्चा कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट है और ये इतना ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू द पब्लिक क्लाउड बराबर। तो पब्लिक की लाइन समझ लो और वीआईपी लाइन समझ लो, क्योंकि ये प्राइवेट लाइन है और ये पब्लिक लाइन है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अभी यहां पे ये फंडा तो समझ में आ गया। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, कस्टमाइजेशन जो है आपको यहां पे कम देखने को मिलेगा कि आपने जो भी रिसोर्सेज लिए, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप एप्लीकेशन बना चाहते हो, उसमें जो कस्टमाइजेशंस हैं वो आपको यहाँ पे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में कस्टमाइजेशन आपको ज्यादा मिल सकता है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू कैन हैव अ मोर कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन डेवलप्ड इन दिस प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो ये तो भैया आज समझ में आया कि भैया पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड, इन दोनों के बेनिफिट्स, इन दोनों के अपोजिट जो डिफरेंसेस है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो भाई ये चीज को लाने की क्या जरूरत पड़ी, सी दोनों के अपने कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन हाइब्रिड क्लाउड ने क्या किया, इन दोनों के सिर्फ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स खींच लिए, ऐसा काम किया है हाइब्रिड क्लाउड ने। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या करता है कि अगर आप सी यहाँ पे अगर जाओगे तो हाइब्रिड क्लाउड इज कॉस्ट एफिशिएंट आल्सो। अभी आप बोलोगे कॉस्ट एफिशिएंट कैसे, बिकॉज हाइब्रिड क्लाउड इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो भैया पब्लिक आ गया, अभी पब्लिक क्लाउड इज क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट है। तो अगर पब्लिक क्लाउड
इज कमिंग अंडर द हाइब्रिड क्लाउड, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड क्लाउड इज ऑल्सो कॉस्ट एफिशियंट, बिकॉज हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, ये कॉस्ट एफिशियंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कॉस्ट एफिशियंट आपका हो ही जाएगा। और मोस्टली आप पूछोगे फिर भैया हाइब्रिड क्लाउड कहाँ पे यूज किया जाता है, तो वो सारी चीज जगहें या फिर वो सारी एक्टिविटीज जहां पे आपका प्राइवेट क्लाउड यूज किया जा सकता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज। मतलब कुछ एक्टिविटीज होती है जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है, कुछ एक्टिविटीज होती है जो बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है। मतलब कि ऐसे एक्टिविटीज जो कि आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है और उनका जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंटली परफॉर्म होना चाहिए, उसका जो डिजायर्ड आउटपुट है उसके हम लोग बहुत ज्यादा पास पहुंचने चाहिए। जब ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उन एक्टिविटीज को हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं कि भैया ये पब्लिकली शेयर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और इसकी जो एफिशिएंसी ये भी 100% हम लोगों को एट द एंड ऑफ द क्या बोलते हैं प्रोसेस चाहिए, रिजल्ट हमें अच्छा चाहिए, तो उन सारी चीजों को हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो ऑब्वियसली क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, प्राइवेसी चाहिए होती है, एफिशिएंसी चाहिए होती है, प्रोसेसिंग की कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को प्राइवेट क्लाउड दे सकता है। और प्राइवेट क्लाउड इज एक्चुअली कमिंग अंडर द हाइब्रिड क्लाउड बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, बराबर। तो यहां पे हम लोग उन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए प्राइवेट क्लाउड की जो फीचर्स है उन्हें यूज कर सकते हैं। अभी बचा जो दूसरा पार्ट है, दैट इज नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। अभी जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो कौन सी होती है कि जिनमें हम लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी की, सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हाँ लेकिन वो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, भैया कॉस्ट में थोड़ा कम होना चाहिए, तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक क्लाउड को यूज कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, बराबर। बिकॉज हाइब्रिड दोनों के एडवांटेजेस को खींचता है और इंप्लीमेंट करता है, दैट इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ हाइब्रिड क्लाउड इज, ठीक है। तो ये तीनों दोस्तों मैंने जितने भी क्लाउड थे, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया एंड हाइब्रिड क्लाउड हो गया, इनको कहां कहां कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, फीचर्स क्या है, कुछ उनके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, वो सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जरूर जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। एग्जाम बड़ी नजदीक आ चुकी है, मेरी मदद आप उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।